अपनी जीविका चलाने दर दर की ठोकरे खाने के बाद भी दुर्ग निगम व पार्षद की आलोचना की शिकार महिला ने राहत मिलने की गरज से दुर्ग कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जहां अब तक महिला को कोई आश्वासन नहीं मिल पाया है। अपना व अपने विकलांग भाई का जीवन यापन कर रही महिला अनुपमा मौर्य ने दुर्ग नगर निगम व स्थानीय पार्षद पर आरोप लगाते हुए दुर्ग कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उस महिला द्वारा लगातार गुमटी ठेला लगाने को लेकर कई बार आपत्ति जताई है। वही महिला द्वारा अपने बयान में ये भी बताया गया कि जो भी अधिकारी व पार्षद मुझे जहाँ से भी हटाते हैं, मैं किसी दूसरी जगह पर जाने के बाद भी लगातार प्रताड़ित की जाती रहती हूँ। वही प्रताड़ित महिला ने यह भी बताया कि अपने भरण पोषण के लिए एक छोटा सा चाय गुमटी लगाकर अपना गुजारा कर रही थी। वह अपने व्यवसाय के लिए एक गुमटी को कर्ज लेकर खरीद दुर्ग के वार्ड 59 में अपना व्यवसाय कर रही थी, जिसे निगम व पार्षद के दबाव में हटाया गया है। फिर वर्तमान में साइंस कॉलेज के बाजू अपनी गुमटी लगा रही थी, जिसे भी हटाने सभी पार्षद और निगम की टीम लगी हुई है। इसमें उस महिला ने ये भी कहा कि शहर में बहुत से अतिक्रमण हो रहे हैं, पर मेरी एक गुमटी के पीछे सभी अधिकारी व पार्षद लगे हुए हैं और मैं अपना गुजारा नहीं कर पा रही हूँ। एक साल पहले एक अपना छोटा सा जीविका चलाने के लिए पान पैलेस का कार्य जो है साकेत कॉलोनी चौहान चौक पे मैंने चालू किया हुआ था। वहाँ पे किराए के ठेले से मैंने इस काम को चालू किया था। 6 महीने के बाद मैं अपना कर्ज लेकर फिर अपना स्वयं का एक गुमटी बनाई, पर जैसे ही वो गुमटी रखाया उसके बाद वहाँ के पार्षद ने निगम वाले को बुलाकर उस गुमटी को तोड़वा दिए, सामानों को बाहर फेंकवा दिए। इस तरीके से वहाँ से प्रॉब्लम हुई और वहाँ से प्रॉब्लम होने के बाद मैंने इस गुमटी को रायपुर नाका मेन रोड पर रखा। वहाँ काम न चलने की वजह से, रोड वगैरह बनने की वजह से, अब कब तक काम को बंद रखेंगे, आखिर जीवन तो यापन करना ही पड़ेगा करके फिर मैं वहाँ से हटा के वहाँ के जो निगम के आयुक्त हैं उन्होंने मुझे जहाँ पहले मेरी गुमटी रखी थी जो ठेला चल रहा था उसी के साइड में बोले थे कि वहाँ पे आप रख दीजिए करके। वहाँ रखने से वहाँ की कुछ 2-4 महिलाएँ जो है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी। उसके बाद मैं फिर वहाँ से हटा के मैंने उसको धमदा नाका कलर शॉप पर रखा हुआ था। वहाँ इसमें 10,000 की चोरी हुई, फिर प्लस मतलब उसमें और भी दुकान के अंदर तोड़फोड़ करके एक पता नहीं अनजान व्यक्ति जो है वहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम हुआ था। अब वहाँ से हटाने के बाद फिर इसको हम लोग वही सोचे कि इसको अब सेलिंग करने के लिए कहीं भी खाली जगह दिख रहा है, बाजार विभाग यही बोले थे हमें कि कहीं भी खाली जगह दिख रहा वहाँ पर आप इसको रख दीजिए करके, तो मैंने वहाँ पर रख लिया है। और अभी हाल ही में मैं 1 महीना पहले आत्मानंद स्कूल के पास टेबल पे अपना कार्य कर रही हूँ, उसमें भी यहाँ के वार्ड पार्षद मुझे 2 से 3 बार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इस तरीके से प्रॉब्लम अभी लगातार चल रहा है और 4 महीने से मैं निगम आयुक्त के और भी वहाँ के अधिकारी हैं उनके चक्कर काट काट के ना तो मेरी निगम कोई मदद कर रहा है और ना ही ये वार्ड पार्षद लोग अपना परेशान करना बंद कर रहा है। बहरहाल निगम और पार्षद की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने कलेक्टर को ज्ञापन तो सौंपा है, देखना होगा महिला की पीड़ा को कितना और कैसे समझा जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।